वेलकम टू माई YouTube चैनल, दिस इज मी मेलो एंड यू आर वॉचिंग मेलोज किचन। आज मेरे किचन में बनने वाला है एक बहुत ही मजेदार सा केक और इस केक का नाम है ब्रिटा केक। ये यूजुअली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में खाया जाता है। बहुत ही मजेदार केक है, बहुत ही लाइट, एयरी, फ्लफी और बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का केक है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगे और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ब्रिटा केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, 2 अंडे, 1/2 कप दूध, 100 ग्राम मक्खन, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिलिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 400 ml विप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरीज और बादाम इस तरह से स्लाइस में कटे हुए। बादाम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम केक की बेस बनाएंगे। केक की बेस बनाने के लिए हमने जो है वो एग वाइट्स को और एग योक्स को जो है वो सेपरेट करना होगा। तो चले हम सबसे पहले एग वाइट्स और एग योक्स को जो है वो सेपरेट करते हैं दोनों बोल्स के अंदर। तो एग वाइट्स और एग योक्स को जो है हमने अलग कर दिया है, तो हम बेस तैयार करेंगे एग योक्स के साथ और एग वाइट्स को जो है हम बाद में यूज करेंगे। तो इसे अभी हम साइड पे कर देते हैं। तो चले केक की बेस जो है वो अब हम तैयार करते हैं। एग योक्स को जो है हम शुगर के साथ जो है वो मिक्स करेंगे। आधी शुगर जो है हम अभी यूज करेंगे, आधी शुगर जो है वो एग वाइट्स के साथ यूज करेंगे। बीट करेंगे इसे। तो एग योक्स और शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, काफ़ी अच्छा इसका फ्लफी सा टेक्सचर हो गया है। अब जो है हम स्लोली स्लोली जो है वो मैदा, मक्खन और दूध जो है वो ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा के अंदर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब हम शामिल करेंगे मैदा एग योक्स के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ बीट करेंगे इसे। साथ में थोड़ा दूध शामिल करेंगे, बटर और बीट करेंगे। बाकी का सारा मैदा, दूध और मक्खन इन सबको बीट करेंगे 10 सेकंड के लिए। बस ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब हम इसे ट्रे के अंदर जो है वो लगाएंगे। केक की जो बेस है वो हमने तैयार कर दी है। मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम सारे बैटर को जो है इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम बेक करेंगे। इस तरह से सारे बैटर को जो है हम स्प्रेड कर देंगे। केक बैटर को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे बेक करेंगे 175 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए।
उसके बाद हम एग वाइट्स को जो है वो बीट करेंगे और 10 मिनट के बाद हम एग वाइट्स को जो है इसके ऊपर डालकर फिर से बेक करेंगे। तो जितनी देर में हमारा केक बेक हो रहा है, हम अब जो है वो मेरेंग तैयार करेंगे। ये जो हमने एग वाइट्स जो है साइड पे रखे थे, इन्हें अब हम यूज करेंगे। शुगर जो हमने आधी जो है वो बचा के रखी थी, उसे हम यूज करेंगे और 2-3 ड्रॉप्स जो है हम लेमन के डालेंगे। इससे आपकी मेरेंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी और स्टिफ बनेगी। तो चले अब हम मेरेंग बनाना शुरू करते हैं। शुगर ऐड करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करेंगे, बीट करेंगे। ये देखिए मेरेंग जो है वो आपकी तैयार है। अब हम इसे केक बेस के ऊपर जो है वो डालेंगे। केक बेस जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल कर देखते हैं। तो पिक से आप देखें ये बिल्कुल क्लीन है। तो इट मीन्स कि आपकी केक बेस जो है वो तैयार हो गई है। अब हम मेरेंग को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। मेरेंग को हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे फिर से जो है 175 डिग्रीज पर 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। केक जो है वो हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर देखते हैं। मेरेंग जो है वो स्लाइटली ब्राउन हो चुकी है। इट मीन्स कि ये रेडी है बिल्कुल। अब हम इसे जो है वो ठंडा होने के लिए रखेंगे और इन द मीन टाइम हम अपनी व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। चले व्हिप्ड क्रीम बनाना शुरू करते हैं। 400 ml व्हिप्ड क्रीम, 1 teaspoon वनीला शुगर और 3 tablespoon पाउडर शुगर। आप शुगर अपने अकॉर्डिंगली भी यूज कर सकते हैं। क्रीम डालेंगे। क्रीम आपकी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। अगर चिल्ड नहीं होगी तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं और उसके बाद आप यूज करें। अब हम डालेंगे वनीला शुगर। आप वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। और पाउडर शुगर बीट करेंगे। ये देखिए व्हिप्ड क्रीम हमारी तैयार हो गई है और हमारा केक जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम जो है केक के अंदर व्हिप्ड क्रीम की और स्ट्रॉबेरीज की फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, व्हिप्ड क्रीम भी रेडी है, स्ट्रॉबेरीज भी रेडी है। स्ट्रॉबेरीज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है स्लाइसेस में। रोस्टेड आलमंड्स भी हमारे रेडी हैं। तो सबसे पहले हम केक को जो है वो 2 स्लाइसेस में कट करेंगे। ये देखिए केक अंदर से कितना अच्छा सॉफ्ट बेक हुआ है और ऊपर से ये क्रिस्पी है। तो अब हम इसे प्लेट में रखेंगे इस तरह से, व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे
क्रीम हमने लगा दी है, अब हम स्ट्रॉबेरीज लगाएंगे। स्ट्रॉबेरीज हमने लगा दी हैं, अब हम दूसरा स्लाइस रखेंगे। अब बाकी की व्हिप्ड क्रीम को जो है वो मैं पाइपिंग बैग के अंदर डालूंगी और इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करूंगी। तो बाकी की व्हिप्ड क्रीम जो है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है, अब हम डेकोरेट करते हैं इसे। ऊपर और स्ट्रॉबेरीज लगाएंगे। स्ट्रॉबेरीज हमने लगा दी हैं, अब हम आलमंड्स डालेंगे। ब्रिटा केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और ये देखें कितना प्यारा भी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लाइट, एयरी, फ्लफी और बहुत ही रिफ्रेशिंग केक है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखा कितना आसान है ब्रिटा केक बनाना। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।